पूर्व मंत्री व कांग्रेस के वर्तमान विधायक जीतू पटवारी पर इंदौर के राजेंद्र नगर थाने में अपराध पंजीबद्ध करने के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी भिंड के द्वारा राज्यपाल के नाम जिला अध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में भिंड कलेक्टर सतीश कुमार एस को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से समस्त कांग्रेस पदाधिकारियों ने मांग की है कि राजनीतिक और प्रशासनिक षड्यंत्र पूर्वक देश के चलते फर्जी तरीके से पूर्व मंत्री जीतू पटवारी पर किए गए पंजीबद्ध अपराध को तुरंत खत्म किया जाए। ज्ञापन देते हुए कांग्रेस नेताओं ने कहा कि कांग्रेस मांग करती है कि जल्द ही विधायक जीतू पटवारी पर दर्ज किए गए फर्जी अपराध को वापस लें, अन्यथा कांग्रेस पार्टी उग्र आंदोलन करेगी। देखिए, ज्ञापन हमने दिया है हमारे पूर्व मंत्री और विधायक भाई जीतू पटवारी, जो हमारे मीडिया मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के भी अध्यक्ष हैं, और उनके ऊपर जिस तरीके से लोकतंत्र में एक जनप्रतिनिधि महत्वपूर्ण रूम काम होता है, जनता की महत्वपूर्ण आवाज़ को उठाता है, लेकिन जब इंदौर शहर में दवा छिड़काव का काम चल रहा था, उस दरमियान हमारे जीतू पटवारी जी ने उस कर्मचारी को टोकते हुए कहा कि ये दवा का जो छिड़काव वो ठीक से नहीं हो रहा है, कृपया से ठीक से करें जिससे हम अपने शहर की जनता को आने वाली बीमारियों से बचाया जा सके। इस घटना को 3 दिन हो जाते हैं और 3 दिन बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रशासन ने दबावपूर्ण तरीके से राजनीतिक द्वेष के चलते उनके ऊपर ये प्रकरण दर्ज किया।